हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्वागत है कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम से इफेक्ट या फिल्टर लगा के फोटो कैसे खींच सकते हैं और उस फोटो गैली गैलरी में आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इंस्टाग्राम से इफेक्ट या फिल्टर लगा के फोटो खींचना, तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपके लिए बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए क्या करना, अपना इंस्टाग्राम ऐप है इसे ओपन कर लेना। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपके लिए क्या करना है, आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्लस वाला। ठीक है, आपके इंस्टाग्राम में ऊपर या नीचे कहीं पे भी ये प्लस वाला ऑप्शन है आपके लिए देखने मिले, तो आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपके लिए यहाँ पे स्टोरी वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो आपके लिए इस ऑप्शन पर बिना टाइम का वीडियो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टोरी पे, तो स्टोरी वाले इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ जिस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप क्लिक करना है यहाँ पे कैमरा वाला जो ऑप्शन है आपके लिए देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे साइड से, तो आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कैमरा वाले पे। तो मैं इस कैमरा वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपके लिए कुछ आपका इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे यहाँ फिल्टर्स इफेक्ट आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जिस फिल्टर या इफेक्ट में यहाँ पर फोटो खींचना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो फिल्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए फोटो खींचना है, फिर आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फोटो यहाँ से खींच दिया। खींचने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता होगा। फिर आपके लिए यहाँ ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते होंगे, तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपके लिए करना है डाउनलोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं कर दिया। फिर आपके लिए जो फोटो सेव्ड का यहाँ पे एक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, अब यहाँ से आपके लिए बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हम चलते हैं अपनी गैलरी में। हम आपके लिए दिखा देंगे जो हमने अभी फोटो यहाँ पे खींचा था इंस्टाग्राम से, कि आ गया या फिर नहीं आया। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमने अभी फोटो खींचा था तो हमारी गैलरी में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से इंस्टाग्राम से इफेक्ट या फिल्टर लगा के फोटो खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना अभी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।